अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। ये हम पेट्रोल पंप पे आए हुए हैं, ये देखिएगा गाड़ी में पेट्रोल फिल करवा रहे हैं और फिर उसके बाद हम चाय पीने जा रहे हैं। जो मेरा जैनू मोहम्मद जैन वो लेके जा रहे हैं हमें चाय पिलाने के लिए। तो हम कहाँ चाय पियेंगे वो फिर मैं आप सबको दिखाती हूँ। यहाँ पे लाए मेरे बेटे चाय पिलाने हमें, एंट्री भी यहीं से, एंट्री यहीं से, बोर्ड भी यहीं लगा है। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं एंट्री यहाँ से है, मेरे बेटे कह रहे बोर्ड भी तो यहीं पे लगा है। ये तो पूरा मैरिज हॉल लग रहा है मुझे, है बेटा ही है ना? ये बहुत माशाल्लाह देखे प्यारा लग रहा है, ये लाइट्स देखे कितनी प्यारी लग रही है। अच्छा जी, पार्किंग आके है बहुत ज्यादा। ओ आई सी, तो बिल्कुल बेटा उसकी तरह बना हुआ है, क्या कहते हैं, मुझे वो लग रहा है हाईवे की तरह की होटल बन रहा है, लग रहा है कोई हाईवे की तरह का। चलिए देखते हैं हम। अच्छा खासा है ये, बड़ा शादी वाले जैसा ही है, बहुत खूबसूरत बना हुआ है माशाल्लाह से, है ना? ये मैरिज हॉल है मेरे ख्याल में, पीछे बैक साइड पर इनका मैरिज हॉल भी होगा। तो सल्तनत का रास्ता कौन सा है जनो? ये वैलेट पार्किंग में दे दे। अरे तो वाकई ये तो हाईवे की तरह का बना हुआ है। व्यूअर्स ये देखिएगा, जबरदस्त बना हुआ है भाई। ओ वाओ, बहुत प्यारा लग रहा है। इसमें आई थी? नहीं मैं यहाँ तो नहीं आई हूँ, मैं समझी शायद मैं यहाँ पे पहले आ चुकी हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं आई हूँ। व्यूअर्स ये मेरे बेटा हमें लेके आया है यहाँ पे। ओपन एरिया है, देखिए हवा भी है, ठंड भी है, भाई ठंड है। हाँ वेटिंग नंबर है, वेट करना पड़ेगा हमें, टाइम जो है ना चालू तो मालिक खाने के लिए। अच्छा लग रहा है बहुत। काशिफ भाई क्या आ गए, चलो बहुत प्यारा माशाल्लाह बना हुआ है। ठंड लग रही है मुझे, मुझे नहीं पता था इतना ओपन एरिया है ये। तो बिल्कुल हाईवे की तरह बना हुआ है, सब तरफ बना हुआ है भाई। ये सल्तनत दिखा रही हूँ मैं आपको, पूरा रेस्टोरेंट है सल्तनत। चेयर्स पे बैठेंगे हम, चेयर्स पे जी, इसी टेबल पर अरेंज कर दें। हाँ वहाँ बैठ जाते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल हाईवे वाला हो गया लुक भाई, ऊपर भी तो हम इतनी दूर जाते हैं हाईवे पे, इससे बेहतर यहाँ ना आ जाए। बहुत खुला एरिया भाई, नया खुला है ना तो लोग इतना पता भी नहीं। हाँ मोहम्मद जैन देखें यहाँ पे हमें लेकर आए हैं। बाबा मैं तो ऐसे ही हुलिया में आ गई, सूप पीना चाहिए यहाँ पे हमें, इतनी ठंड हो रही है ना, है ना? ये देखिए मेरे ये कांप रहे हैं, कांप रहे हैं, कांप रहे हैं, ये देखिए देखिए कांप रहे हैं, ये देखिए कांप रहे हैं। ये कार्टून चल रहे हैं जनू, आपके फेवरेट कार्टून चल रहे हैं, मैच जबरदस्त चलता होगा। हाँ हाँ वाकई मैच भी तो चलता होगा यहाँ पे, बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, गर्मी में जबरदस्त है। हाँ ये हाईवे के हाईवे की तरह का रेस्टोरेंट है यहाँ पे, रेस्टोरेंट है ये यहाँ पे। बताओगे बेटा कहाँ पे? ये सल्तनत में। नहीं सल्तनत तो है लेकिन जगह बता, जो है डालमिया रोड, डालमिया रोड मिलेनियम के पास, मिलेनियम नियर मिलेनियम मॉल पे है ये, और ये डालमिया रोड है और नियर मिलेनियम मॉल और साइमा मॉल के करीब है ये। माशाल्लाह बहुत प्यारा बना हुआ है। खाना तो खा कर आए घर से, या चाय पियेंगे हम या फिर यहाँ पे हम सूप पियेंगे, क्योंकि जितनी ठंड हो रही है ना बाबा। ये बाबा मोहम्मद जैन लेकर आए मुझे ओपन एरिया में, भूख लग रही है। अच्छा चलो ऑर्डर देते हैं अभी हम, सही है हम देखते हैं क्या ऑर्डर दे रहे हैं हम। सूप
पियेंगे वैसे या चाय पियेंगे। चले दिखाती हूँ फिर मैं आपको ना ऑर्डर देने के बाद। अच्छा व्यूवर्स, हम लोग खाना तो खा के आ चुके थे घर से, तो हमने यहाँ चिकन कॉर्न सूप का ऑर्डर दिया है क्योंकि यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। तो जैनू बाबा कह रहे हैं, मुझे दिखाने के लिए लाए थे कि मम्मा देखें यहाँ पे एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट ओपन हुआ है। इस वक्त रात के तकरीबन टाइम कितना, 12:30 हो गए, 12:30 बजे का टाइम है व्यूवर्स। इस वक्त हम यहाँ पे सूप का ऑर्डर दे चुके हैं। ये जो इतनी ठंड हमें लग रही है ना, हवा चल रही है हल्की हल्की, और सूप इंजॉय करेंगे अभी हम। खाना ना खाया होता ना फिर खाते हम। सूप आता है, मैं आपको दिखाती हूँ इसका कैसे सर्विंग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ का जो मैंने रेट देखे हैं ना, तो मुझे काफ़ी सही रीज़नेबल लगे हैं। और आपको मैं चिकन मलाई बोटी के चले रेट थोड़े से बता देती हूँ। 800 की चिकन मलाई बोटी है यहाँ पे, चिकन बिहारी बोटी भी 800 की है, ये आप सब देख लें। ये देखिएगा रेट, मुझे वो हाईवे वाले रेट है ना। स्टेक का रेट, स्टेक ये रहा 1300 का स्टेक है, सो सही है ना। मशरूम स्टेक है, पेपर स्टेक है, टेरागोन स्टेक है, और ये मुख्तलिफ स्टेक है यहाँ पे, तो इसके भी रीज़नेबल प्राइस सही है, मुनासिब है। और इसी तरह ये चिकन है, कौन सी है, ग्रिल चिकन भी है यहाँ पे, पास्ता भी है, तो सबके रेट यहाँ पे मुनासिब ही लग रहे हैं मुझे। क्या देखूँ पीछे, अच्छा 2% हम टिकटॉक बना रहे हैं, पियेंगे। और इसके जो प्राइस हैं ये हैं 250 है ना, नहीं 249 है, यानी 1 रुपया तो कम है बाबा, नहीं 249, तो इसके प्राइस है 249, यानी कि तकरीबन 250। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये इंजॉय करते हैं, और किस तरह का सूप है फिर मैं आप सबको बताती हूँ। सूप का बताओ बेटा कैसा था, तो सूप अच्छा था जैसा होता। अच्छा सूप सही था, अच्छा था, नमक थोड़ा कम था, लेकिन आपके पास स्पाइस होते हैं तो हमने तो कोई भी स्पाइस यूज़ नहीं की है क्योंकि हमें फीका ही सही है ना बाबा। बस ठंड बहुत लग रही है हमें, जैनू को भी बहुत ठंड लग रही है, मुझे भी लग रही है। बस हम अब इसका बिल देने के बाद ना हम लोग बस जाने लगे हैं। मेरे हस्बैंड तो आज सुबह से अपने काम में बिज़ी थे, ये या आए रात के 12 बजे हैं, तो मुझे लेके निकल आए। जैन ने कहा चलो मम्मा बाहर चलते हैं, थोड़ा आपको सल्तनत दिखा के आता हूँ। सल्तनत, इस सल्तनत का महाराजा कौन है बाबा? हा? महाराजा कौन है इस सल्तनत का? हाईवे वाला। हाईवे वाला क्या बोला, हाईवे वाला क्या मतलब है ना। हाँ हाईवे को तो कॉपी की है इन्होंने, बहुत माशाल्लाह प्यारा है, बहुत हाईवे की तरह ही है बड़ा एरिया। चलो मैम, चल अपनी व्यूवर्स को तो दिखा दिया ना मैंने, और उसका रिव्यू भी दे दिया है मैंने कि अच्छा है। बिल में आपको बता दूँ, बिल का बोलिएगा ये देखिएगा बिल में ना इन्होंने अलग से टैक्स इंक्लूड नहीं किया हुआ। अच्छा यहाँ पे रिवर्स वैलिड पार्किंग है, तो अब हम वेट कर रहे हैं अपनी गाड़ी के लिए, हमारी गाड़ी आती है फिर हम जाते हैं। तो अब हम अपनी वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। रानी की दुनिया को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।